बिल्कुल भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमको इंश्योरेंस भी मिल जाएगा और इसमें अगर फाइनेंस करवाना चाहे तो फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट हम इसके करवा के भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। गेहूँ की थ्रेशिंग करना हो, चने की थ्रेशिंग करना हो, तो उस कंडीशन में हम इस पर थ्रेशर भी लगा सकते हैं। अच्छा, जी इसमें थ्रेशर भी लग जाती है किसान भाई। और क्या, हम शादी ब्याहों में अगर हमारे पास जनरेटर की सुविधा नहीं है, अल्टरनेटर लगाते हैं तो अल्टरनेटर का साथ जुड़ के आपकी बिजली का भी काम ही निकाल देगा। क्या बात है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी हमने कुछ दिनों पहले एक जुगाड़ के बारे में चर्चा करी थी जिसमें पेट्रोल डीजल और बेल कुछ भी नहीं लगता था, तो आज उसी से थोड़ा अपग्रेड वर्जन के बारे में हम बात चर्चा करने वाले हैं जो कि उससे भी बड़ा जुगाड़ है और काफ़ी बेहतरीन आपके बहुत सारे काम करने वाला है। मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये इतनी सी मशीन इतने सारे काम भी कर सकती है। आपने उसको जो भी काम बताया उसका काम है सिर्फ यस करना, वो सिर्फ यस बोलेगी, आपको ना बिल्कुल भी नहीं बोलेगी, आप जो भी काम में उसको लगा दीजिए। तो इतनी बेहतरीन मशीन है, इतना बेहतरीन जुगाड़ है कि आप एकदम सोच के दंग रह जाएंगे कि यार क्या गजब की मशीन है, क्या बेहतरीन काम करती है और कितने कम खर्चे में काम करके दे रही है। तो जी हाँ किसान भाइयों, एक ऐसे ही बेहतरीन जुगाड़, ऐसी बेहतरीन मशीन के बारे में आज हम बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दे ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ऐसे ही महत्वपूर्ण जुगाड़ आपको सही समय पर देखने को मिलते रहे। तो देखिए किसान भाइयों, जिस मशीन, जिस जुगाड़ की हम बात कर रहे हैं वो है ये। इसका नाम है कोड बाय स्वराज। स्वराज ट्रैक्टर की कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, जिसे एक अभी तक भी इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, इसको सिर्फ और सिर्फ मशीन कहा जा रहा है। इसे कोई किसान भाई ट्रैक्टर बोल रहे हैं, कोई केकड़ा मशीन बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। तो आप भी किसान भाइयों इसको नाम दीजिएगा, आप इसे क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप इसे चार पहियों वाला मोटरसाइकिल भी बोल सकते हैं या फिर ट्रैक्टर पर लगाया है मोटरसाइकिल का हैंडल ये भी बोल सकते हैं, आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आपको इसकी ए टू जेड जानकारी मिल सके। आज हम कंपनी के अधिकारी से ही इसके बारे में पूरी ए टू जेड जानकारी लेने वाले हैं कि ये क्या क्या काम करने वाला है, प्रति घंटे का इसका खर्चा कितना है, इसमें क्या क्या अटैचमेंट लग जाते हैं, इसकी कीमत कितनी है, इस प्रकार की सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए किसान भाइयों, हम कंपनी के अधिकारी के पास चलते हैं और इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो किसान भाइयों का आपका परिचय दे दीजिए। जी किसान भाइयों, मेरा नाम कमल यादव है, मैं खरगोन से भारत मोटर स्वराज ट्रैक्टर शोरूम से हूँ, मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में आता है। तो मैं आपको मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ये चीज़ ऐसी बनाई है जो आपके खेतों में खरपतवार के लिए बेहतरीन उपयोगी की चीज़ें बनाई हमने। जैसे ये कोड है, कोड एक मशीन है, यस मशीन के नाम से जाना जाता है, हम इसको ट्रैक्टर कतई नहीं बोलेंगे। हमने इसके हैंडल को बाइक जैसे बनाया ताकि ये आपके खेतों में इसको मूव करो आप तो 80 डिग्री तक मूव होना चाहिए। इसने जैसे इस हालत में ये टोटल राउंड लेगा, जिससे आपकी कम जगह में राउंड लेके आपके दूसरी कतारों में दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसका वेट है 4 क्विंटल 55 किलो, यानी मिनिमम वेट वाला बनाया है ताकि ये आपके खेतों में जब चले तो हल्का सा चले और बढ़िया से चले। जैसे यहाँ पे ये जो माइलोमीटर है, हम इसको 25, 30, 35 और 40 की स्पीड तक चला सकते हैं। आपकी फसल की बढ़वार के हिसाब से आप इसकी स्पीड दे सकते हैं। इसमें हमने एक चीज़ और लगाई है, ये सेल्फ स्टार्ट स्विच लगाया है जिससे ये ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, है ना। और इसके बजाय एक चीज़ और दी है, अगर किसान भाइयों को किसी बैटरी में प्रॉब्लम होने की वजह से अगर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो उस स्थिति में यहाँ पे हमने ये रस्सी से खींचने वाला सिस्टम जो दिया है ये बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ साथ हमने इसके साथ एक चीज़ और की है, जैसे हमारे रोटावेटर को ऊपर और नीचे करने के लिए हमने यहाँ पर एक हाइड्रोलिक गियर है ऊपर नीचे करने वाला, ये लगाया है। इसके साथ साथ जो नीचे का जो गियर है, ये आपके नमी वाले क्षेत्र में अगर पहिए दोनों कीचड़ में फंसते हैं तो इसको ऐड करने से दोनों पहिए ऐड हो जाएंगे और आपके आसानी से कीचड़ से ये ट्रैक्टर बाहर हो जाएगा। जैसे हमारी कोई क्रॉप छोटी है उस स्थिति में हम फर्स्ट गियर में चलाएंगे, मतलब इसको ये आ गया है। इससे एक फ़ायदा होगा कि आपकी छोटी फसल में भी ये धीरे से निकलेगा ताकि आपकी फसल को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जब फसल थोड़ी और बड़ी हो जाती है उस कंडीशन में इसको हम दूसरे में लगा दिया है ताकि थोड़ी और स्पीड बढ़ जाएगी। जब फसल 3 से 3.5-4 फुट में आ जाएगी तो आप इस गियर में भी चला सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, इससे तकलीफ नहीं आएगी। व्यक्ति अगर खेत में कोई दवाई स्प्रे कर रहा है तो मिनिमम 2 एकड़ करेगा, उस कंडीशन में ये हमारी मशीन लगभग 8 से 10 एकड़ में स्प्रे करके दे देगी आपको। और इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको एक फ़ायदा और मिलेगा कि जो हम हाथ से स्प्रे करते हैं उसमें हमारे स्प्रे की उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं बनती है और जो हमारी दवाई है वो पौधे के हर एक हिस्से तक नहीं पहुंच पाती और पत्तियों के नीचे अधिकतर हमारे रस चूसा कीट बैठे होते हैं तो हमें दवाई का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन इसके प्रेशर के साथ में अगर हमारे खेतों में स्प्रे होगा तो हमारी जो दवाई और स्प्रे करने की गुणवत्ता उसमें काफ़ी सुधार आएगा और आपका जो खर्च है वो भी कम होगा। जी जी, इसमें एक चीज़ और है सर, ये हमारा रोटावेटर है, इसका वेट 60 किलो का वेट है
इसका आपको क्या फायदा मिला कि आपके खेत में जो खरपतवार है, जैसे मान लो कि ये खरपतवार है ना, इसको अगर हम रोटावेटर कर देंगे तो ये खरपतवार साफ हो जाएगी, जिससे आपको मजदूरों से वहाँ पे आपको निंदाई गोड़ाई में उतना खर्च नहीं होगा जितना बगैर रोटावेटर चले आपका होता है। क्योंकि फसलें जब छोटी होती तो वो रोटावेटर वहाँ करना नामुमकिन हो जाता है। उस स्थिति में इसको जो रोटावेटर को डेवलप किया है, इसी कंडीशन को देखते हुए कि आपके खेतों में खरपतवार का ज्यादा से ज्यादा निंदाई गुड़ाई में आपको सहायक मिले। काफी हार्ड जगह में भी ये चल जाएगा। जी 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 जी, रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, इसमें पंजी लग जाएगी, पलटी लग जाएगी, सुपड़ी भी लग जाएगी, जैसे मिट्टी इकट्ठी करने के लिए, हाँ पाल पे चढ़ाने के लिए, वो पाल पे चढ़ाने का सुगम तरीका इसमें है ना। इसमें वो समोसा वगैरह किसान बोलते हैं जिसको मिट्टी से दोनों साइड लगाने में लिए, कतार बाई कतार बनाने के लिए। यहाँ पे गेहूं और चने की फसल ज्यादा लग रही है, तो इस फसल को काटने के लिए मजदूरों की जो समस्या है उसको निपटने के लिए हमारी कंपनी ने इस पे रीपर का भी ऑप्शन रखा है। अच्छा, आप रीपर लगा के गेहूं चने की कटाई आसानी से कर सकते हो। क्या बात है किसान भाइयों, मतलब अगर हम अलग से गेहूं कटाई की मशीन लेते हैं तो करीब 1,80,000 रुपए के लगभग आती है, जो सिर्फ और सिर्फ गेहूं कटाई का काम करती है। लेकिन इसी मशीन में वो मशीन अटैच होने के बाद में आपका वो काम भी सुगमता से होगा। तो इनकी सारी जो कीमतें हैं हम आखिरी में चर्चा करेंगे, आपसे वीडियो के अंत तक बने रहें। इसको जो डिजाइन किया उसमें एक चीज और अहम है कि जब आप रीपर लगाओगे तो रीपर लगाने में ये जो सीट रखी है यहाँ पे, ये सीट उठ के यहाँ पे आ जाएगी हेड पे। अच्छा, और ये जो हेड है वो आ जाएगा यहाँ पे। क्या बात है किसान भाई। तो इसमें क्या है कि आप रिवर्स गियर में भी कटाई करोगे तो सुगमता से गियर आप हैंडल कर सकते हो, मूव कर सकते हो। जी जी, और ये सीट हैंडल यहाँ जाएगा और सीट उठ के हैंडल की जगह दोनों पलट जाएंगे। जी, जैसे आप सामान्यतः रीपर जो देख रहे हो उस कंडीशन में ये डिजाइन हो जाएगी। दूसरा है कि हम इसमें न्यूट्रल है ना, लो गियर और हाई गियर में भी इसको चला सकते हैं। लो और हाई का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। जी है, प्लस रिवर्स का भी, आप इसको रिवर्स भी चला सकते हो। ये तीनों का ऑप्शन रखा है। टोटल 6 फॉरवर्ड गियर हैं और 3 रिवर्स गियर हैं, जी, लो और हाई को मिला। जी जी, इसमें मैकेनिकल स्टीयरिंग दिया हुआ है किसान भाइयों, जो नॉर्मल होता है, पावर स्टीयरिंग नहीं है। तो उसका कारण क्या है सर? उसका कारण ये है कि अब जब हम पीछे इसके साथ जो एलिमेंट जो भी जोड़ेंगे उसका बैलेंस और ये टायर का बैलेंस सेम रहेगा। उस पावर स्टीयरिंग में जैसे आपका थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर होकर आपकी फसल को नुकसान होने का जो डर रहता है, उखड़ने का डर रहता है, इसी कंडीशन को देखते इसको बनाया। इसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी कम है किसान भाइयों, एक जगह पर जो पलटने का सिस्टम है वो काफ़ी कम है। और इसमें जैसे जो बड़े ट्रैक्टर में एक पहिया पे घुमाने वाला सिस्टम होता है तो वो इस ट्रैक्टर में भी दिया हुआ है। इसमें सिंगल सिंगल ब्रेक दबाकर आप एक पहिए पर भी इस मशीन को पूरा घुमा सकते हैं एक ही जगह पे। जी जी, जैसे यहाँ पे ये जो ओपन होगा, देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है, ये आप सिंगल ब्रेक लगाकर भी इसको राउंड दे सकते हो और हाँ एक ही बार घुमा सकते हो। और इसमें एक चीज़ और, जैसे अभी सर ने बताया इसमें अटैचमेंट लगता है यहाँ पर, तो ये ट्रैक्टर जमीन से 2.5 से 3 फुट जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस अभी जो है इससे करीब 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। 2.5 से 3 फीट की अगर आपकी फसल है खेत में खड़ी हुई तो उसके ऊपर से भी आप इसको गुड़ाई के लिए चला सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है उस समय इसका उपयोग करना मुश्किल होगा, इसीलिए कंपनी ने इसमें अटैचमेंट दिया है ताकि इसकी हाइट बढ़ जाएगी और इसका सुगमता से उपयोग किया जाए। जी, ये यहाँ पे जो पीटीओ आरपीएम है इसका 1000 RPM है, जिससे आपकी जो रोटावेटर की घुमाने की क्षमता है वो डबल हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके पास कुआ हो या नहर हो वहाँ से पानी निकालने में अगर आप इसके साथ वाटर पंप जोड़ देते हो उससे आपकी सिंचाई में भी काफ़ी फायदा मिलेगा। क्या बात है किसान, मतलब ये सिर्फ एक मशीन कहने की मशीन है लेकिन काम अनेक करने वाली है, इससे आपके कितने ही सारे काम हो रहे किसान भाइयों। साथ ही साथ ये तो एकदम यूनिक हो गया कि आप इससे नहर या कुएं से पानी निकालने में और सिंचाई करने के काम में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका RPM पावर काफ़ी हाई है अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले जो छोटे ट्रैक्टर होते हैं। जी सर, इसमें एक चीज़ और है, जैसे हमने ये रोटावेटर अन्य सामान्य रोटावेटर से एक अलग बना है। ये जो ब्लेड है ये ब्लेड ही बहुत ही शानदार लगी है, जिससे आपको रोटावेटर भी या खरपतवार में पूरा मिक्स जमीन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, इसकी चौड़ाई कितनी है, कितने गाले में ये चल रहा है? हमारा ये जो ट्रैक्टर है ये मात्र 33 इंच है। 33 इंच, हाँ, मात्र 3 फुट, मतलब 3 फुट के अंदर वाला है। 3 फुट बोले तो 36 इंच होता है जी। ये 33 इंच की चौड़ाई है इसकी। 33 इंच चौड़ाई होने से आप इसको 4 से 4.25 साढ़े 4 फुट में भी आसानी से चला सकते हो निंदाई गुड़ाई में। और मतलब ये बोल सकते हैं सर कि ये बेल, जो बेल की जोड़ी होती है उसको पूरी तरीके से रिप्लेस करेगा और बेल के सारे काम ये करने में सक्षम है ये, उसके अलावा और कुछ अधिक कार्य भी कर रहा है हमारे लिए। जी, हमारे यहाँ मजदूरों का काफ़ी साल्टेज इतना है कि हमको मिल नहीं पाते हैं। उस स्थिति में बेलों से कोलपा चलाना, डोरा चलाना है ना, ये संभव नहीं हो पाता जी। तो इस कंडीशन में ये जो इजाफा किया है, जो डिजाइन किया है, ये मशीन ये आपके बेलों के कारगर है उससे भी बढ़िया काम करेगी। ये जो होंडा लिखा है GX है ना, 390 है ना, ये 390 cc का इंजन है, होंडा का है। और इसकी खासियत यही है कि जैसे हम देखें कि
पेट्रोल संबंधी जो भी मशीनें होती है वो डीजल से कहीं ना कहीं ज्यादा ही पावर रखती है। दूसरा ये कि अगर पेट्रोल इंजन है तो वाइब्रेशन भी बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं करेगा। जिस पे जो चलाने वाला व्यक्ति है बिल्कुल भी इसको थकान महसूस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो दिन भर वो इससे ज्यादा समय तक काम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो डीजल ट्रैक्टर होते हैं इन पर दिन भर बैठे बैठे आदमी पूरा थक जाता है। जैसे ये पीछे प्लो लैंप दे रखा है, इससे आपको आगे और पीछे दोनों तरफ का प्रकाश मिलेगा, लाइट मिलेगी, जिससे आप सुगमता से नाइट में भी अपने खेत में आप जुताई कर सकते हो। सर ये तो अभी हमने इसके फीचर के बारे में चर्चा करी है, अभी आप किसान भाइयों को थोड़ा सा ये बताइए कि ये खर्चा कितना लेगा, चलने में प्रति घंटा कितना खर्च लेगा, ताकि किसान भाइयों को आकलन हो सके कि हम बेलो और इसमें कंपेयर कर पाए। लगभग 10 लीटर का टैंक है और ये पर घंटे आपका 2 लीटर से 2.25 लीटर पर घंटे की खपत से चलेगा। आप खेत में इसको उपयोग नहीं कर रहे हो और रोड पर चलो उस कंडीशन में ये 1.5 से 2 के लगभग चलेगा। अगर हम फुल लोड पे भी अगर इसको चलाते हैं तो 300 रुपये घंटा बहुत हो गया। हमारे खेत में जैसे गेहूँ की थ्रेशिंग करना हो, चने की थ्रेशिंग करना हो, तो उस कंडीशन में हम इस पर थ्रेशर भी लगा सकते हैं। अच्छा, जी इसमें थ्रेशर भी लग जाती है। किसान भाइयों और क्या चाहिए बताइए। एक आपका मशीन जो है आप इसको केवल आदेश करते रहो, इनका एक ही उधर से शब्द आएगा यस सर, यस सर, इसीलिए इसका नाम रखा हमने यस मशीन। यस मशीन। इसमें जैसे हम शादी ब्याहों में अगर हमारे पास जनरेटर की सुविधा नहीं है, अल्टरनेटर लगाते हैं, तो अल्टरनेटर का साफ जुड़ के आपकी बिजली का भी काम ये निकाल देगा। क्या बात है। तो अभी इसमें सर एक ट्राली का अटैचमेंट रह गया, ट्राली का अटैचमेंट है या नहीं है? जी सर, जैसे अभी हम बैलगाड़ी में लगभग 6 से 8 क्विंटल वेट लेके हम हमारे खेतों में जा सकते हैं। बिल्कुल। उस कंडीशन में हम इस ट्रैक्टर में 6 से 8 क्विंटल इस मशीन में ट्राली लगाकर ले जाने में सक्षम है। 6 से 8 क्विंटल तक, मतलब जितना बैलगाड़ी में मैक्सिमम हम भर के खींच सकते हैं उतना ही इसमें भी जा सकते हैं। बिल्कुल 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 सर। तो सर ये तो थे इसके खूबियों के बारे में हमने अभी चर्चा करी, अब थोड़ा सा इसके खर्चे और कीमत के ऊपर आते हैं हम लोग। खर्चा भी हमने किसान भाइयों को बताई दिया है, अब इसके जितने भी अटैचमेंट है उनकी और इस मशीन की कीमत ये किसान भाइयों को कितने में आने वाली है, ताकि बगैर रजिस्ट्रेशन से किसानों को उपलब्ध हो जाएगी, ताकि इनका रजिस्ट्रेशन का खर्च भी बचे। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बात है। दूसरा इसका है कि इसका बीमा हो जाएगा सर। जी बीमा बीमा उपलब्ध है, बीमा हो जाएगा और हमारी कंपनी ने कोर्ट के लिए फाइनेंसर का भी इंतजाम कर रखा है। अगर कोई छोटा किसान भाई है जिसके पास अपने बजट से कम पेमेंट है, जो खरीद नहीं पाएगा, उस कंडीशन में अगर वो इंस्टॉलमेंट से भी खरीदना चाहे तो उसको उपलब्ध हो जाएगा। तो देखिए किसान भाइयों, ये तो पूरे पूरे हमारे फेवर की बात हो गई कि इसमें RTO का लफड़ा बिल्कुल भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमको इंश्योरेंस भी मिल जाएगा और इसमें अगर फाइनेंस करवाना चाहे तो फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट हम इसके करवा के भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इसकी कीमत है मात्र 2,20,000 रुपये। 2,20,000 रुपये इसकी कीमत है किसान भाइयों, देख सकते हैं। और पूरी तरीके से ये एक क्या बोल सकते हैं, जिन्न बोल सकते हैं, जो आपको हर काम के लिए बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका। 2,20,000 में इसमें अटैचमेंट क्या क्या आएंगे सर? सर जैसे आप देख सकते हैं कि जो पीछे रोटावेटर लगा है जी, ये इसके साथ ही उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ में 2,20,000 में रोटावेटर ये उपलब्ध हो जाएगा सर, है ना जी। इसके बाद में जो भी एलिमेंट आपको खरीदना है इसका पेमेंट आपको अलग से देना पड़ेगा, हमारी कंपनी अवेलेबल कराएगी आपको, उसके लिए आपको बाजार में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं लगेगी। तो इसमें जैसे और क्या क्या एलिमेंट अभी कंपनी तुरंत उपलब्ध करा सकती है? जैसे इसमें हम पंजी आपको दे सकते हैं, कल्टीवेटर आपको हम दे सकते हैं, इसमें इसको ऊपर करने के लिए जो अटैचमेंट लगा है वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे, और जैसे फिर आपकी डिमांड होगी जैसे थ्रेसर चाहिए, रीपर चाहिए, उसके लिए भी हम कंपनी से आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ये जो बाकी के अटैचमेंट है सर, थोड़ा सा इनका भी एक अनुमानित कीमत किसान भाइयों को बता दीजिए, ताकि उनको आकलन करने में सुविधा हो सके कि अगर और भी अटैचमेंट वो लेना चाहें इसके साथ में तो उनका लगभग कितना प्राइस हो जाएगा? सर लगभग इसमें मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे कि अगर आप पंजी मेरे से लेना चाहेंगे तो वो लगभग आपको 10 से 15,000 रुपये में लगभग उपलब्ध हो जाएगी, और रीपर अगर आप खरीदना चाहेंगे तो लगभग आपको 50 से 55,000 के आसपास जी उपलब्ध हो जाएगी। आपको मिनी थ्रेसर भी चाहिए तो 65 से 70,000 रुपये के आसपास आपको उपलब्ध हो जाएगी। 70,000 रुपये जी। अगर आप वाटर पंप भी चाह रहे हो आप मेरे से इसमें लगाने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो वो भी करीबन 20 से 25,000 रुपये में आपको वाटर पंप भी उपलब्ध हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखे जाए अपने समोसा वगैरह की जो रहती है तो वो तो हमारे किसान भाई इतने जुगाड़ू है, काफ़ी बेहतरीन मशीन है। हमें तो ये जुगाड़ काफ़ी अच्छा लगा है जो स्वराज की तरफ से आया है, फोर्ड बाय स्वराज इसका नाम दिया है, इसको यस मशीन बोलते हैं। काफ़ी बेहतरीन मशीन है और सबसे बड़ा खासियत इसका यही है कि किसान भाइयों इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इसको क्या नाम दे सकते हैं, 4 पहिया मोटरसाइकिल बोल सकते हैं या फिर ट्रैक्टर पर लगाया मोटरसाइकिल का हैंडल, क्या नाम देना चाहेंगे आप? इसे नाम जरूर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक दिया है कंपनी ने और गजब का हैंडल इस पर लगा के दिया है, तो आप एक बार इसको विजिट जरूर करिएगा। सर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों से कि आपके क्षेत्र में, आपके समीप, आपके गृह जिला में ये जो खरगोन में भारत मोटर स्वराज शोरूम पे ये उपलब्ध है, अगर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपका बहुमूल्य समय निकाल कर एक बार विजिट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी सारी जानकारी साझा करी। इतने किसान भाइयों का शोरूम पर आकर विजिट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हमारा एक प्रयास है कि इसकी सारी जानकारी किसान भाइयों तक आसानी से पहुंच सके। जी प्रजापत जी, आपके द्वारा मेरे किसानों के समक्ष ये जानकारी जा रही है तो मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको घर बैठे बैठे सही समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद।